वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब धीरे धीरे मौसम में चेंज आ रहा है और दिल्ली में क्या है, दो दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही है और अभी जो टाइम रहा है 5:47 है, फिर भी देख रहे हो कितना अंधेरा हो रहा है। लेकिन अभी तक इतने बजे तक ना रोशनी आती थी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड आती रहेगी ना ऐसे अंधेरा जल्दी जाया करेगा। तो आज मैं एक राइड पर जा रहा हूँ जो कि स्पॉन्सर्ड है चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। पहले ट्रक से आगे निकलता हूँ, बहुत शोर कर रहा था यार। तो आज एक स्पॉन्सर्ड राइड है चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स की, तो उन्होंने हमें आज इन्वाइट किया था, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है करोलबाग में नंबर 1 की शॉप आती है चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स की, जितने भी राइडिंग गियर हो, हेलमेट हो या इंटरकॉम्स हो, XYZ मतलब बाइकिंग से रिलेटेड जितने भी गैजेट्स होते हैं सारे वहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस प्लस डिस्काउंट के साथ। तो भाई अंकल की दिक्कत आ गई स्कूटी में, क्या हो गया? पता नहीं, रेस नहीं ले रही। अच्छा, एक्सीलेटर वायर टूट गया होगा, बंद कर लो अब, इस ऐसे नहीं होगी, बंद कर लो अभी स्कूटी, बंद ही करें। हाँ बंद कर लो, फालतू नहीं, फालतू कोई फायदा नहीं है। वो ना इसकी पता बेल्ट टूटी है, अगर वायर टूटती तो एक्सीलेटर लेता नहीं है, जिसकी रबड़ वाली बेल्ट है वो टूटी है। देख रहे हो मेरे सामने, अब मैं पहुंच गया कनॉट प्लेस और इनको जाना है शिवाजी स्टेडियम और मुझे जाना था हनुमान मंदिर, क्योंकि हमारा मीटिंग लोकेशन जो है ना, मीटिंग पॉइंट वो है हनुमान मंदिर। तो इनको थोड़ा सा और आगे छोड़ देंगे कि हाँ। तो अपनी जो है मीटिंग लोकेशन ये है, देखो वो खड़े सारे राइडर्स, तो पहले हम उनको आगे छोड़ कर आएंगे, उसके बाद आके ज्वाइन करते हैं। तो मैंने इशारा कर दिया कि 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। देखो किसी की अगर हेल्प कर सकते हो ना आप तो कर सकते हो, ठीक है अंकल जी, ओके बाय बाय। अरे कोई नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है अंकल, कह रहे मुसीबत में भगवान मिल गया, ऐसी बात नहीं यार, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे तो काफ़ी अच्छा लगता है देखो ऐसे लोगों की हेल्प करने में, अगर हम फाइनेंशियली नहीं हेल्प कर सकते तो फिजिकली तो लोगों की हेल्प कर ही सकते हैं ना। तो वही चीज़ थी आज, थोड़ा सा लेट हो गया था, कोई ऐसा इशू नहीं है लेट हो गया था क्या हो गया, बट इनकी हेल्प कर दी। काफ़ी बेचारे अंकल बुजुर्ग आदमी स्कूटी में कहाँ तक धक्का मारते और काफ़ी दूर से धक्का मारते हैं, जैसे आपने देखा होगा यमुना का जो ब्रिज है ना उससे ही पहले से धक्का मार रहे थे, कल खड़े हुए थे वहाँ पे मतलब, तो यहाँ तक परेशान हुआ थे। सुबह सुबह का टाइम था, अच्छा लगता है मुझे तो ऐसे हेल्प करना यार, लेट भी जाऊँगा ना कोई दिक्कत नहीं है। अगर राइड भी छोड़नी पड़ती ना मुझे इन्हें कहीं और भी ड्रॉप करके आना पड़ता तो मैं वो भी करके आता। ओए मैं कह रहा जैकेट भी पहचानी लग रही है और बाइक भी पहचानी लग रही है बढ़िया यार बढ़िया, ज्वाइन कर लेते हैं। तो भाई लोग अपना यहाँ पे हो चुकी है ब्रीफिंग वगैरह, वही सेम रूल थे कि लेफ्ट राइट के लिए क्या करना है ये सब, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको, बाबा सेम चीज़ क्या दिखानी। ये मेरे सामने हनुमान मंदिर, भाई साहब गुड़गांव साइड ना ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, जैसे कि आप सामने वेदर देख रहे हो कि अभी हम हनुमान मंदिर पे खड़े थे तो वहाँ पे एकदम क्लियर वेदर था, लेकिन सामने अगर देख रहे हैं ना हम गुड़गांव की साइड तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत तगड़ी बारिश आ रखी है, मतलब ऐसा लग रहा है और ये हो सकता है यहाँ भी आ जाए थोड़ी बहुत देर में। बेसिकली हमारी जब भी गुड़गांव साइड की राइड रहती है ना तो हमारा जो मीटिंग लोकेशन होती है वो रहती है ये रेडिशन के सामने 24/7, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी सारे राइडर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि इनकी भी राइड कुछ प्लान होगी लेपर ट्रेल वगैरह की, बट हमारा प्लान आज कुछ हो रहा था इसलिए आज हमारी मीटिंग लोकेशन थी अपने सीपी वाला हनुमान मंदिर। ये आ चुके हम डीएलएफ वाली लोकेशन पर, यार यहाँ पर आते ना दिन बन जाता है, मतलब कि नेक्स्ट लेवल लोकेशन लगती है ये, बिल्डिंग कितनी प्यारी लगती है और आपने काफी वीडियो में देखा भी होगा। चलो एकदम स्टॉप क्यों करते हो, अभी कमर फट जाती है। तो फाइनली वी आर रीच इन अर्जनगढ़, जैसे कि आप सामने देख रहे हो अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन है और रायनॉक्स का शोरूम ये रहा हमारे लेफ्ट में, तो मैं यहीं पे जाना है अब।
अभी भाई कुछ पसंद आ गया? हाँ बस ये रेट देख के पसंद आ गया। पहले पॉकेट उसके बाद जैकेट। हाँ इसलिए इसका ये मतलब पानी रहता है लेकिन काफी ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो आपका ना कुछ स्टॉक गलत आ गया हो। कई बार होता है। दोनों के पास यही है, दोनों के पास ही सेम है। दोनों ने एक साथ लिया था, दोनों में पानी अंदर जा रहा है। पसीने भीग जाते हो क्योंकि वो पानी नहीं होता। पैंट भी है, पैंट इतना पसीना कहाँ रहा है? अरे बहुत आता है भाई इन चीज़ों में, तो मे भी हो सकता है वो पसीने से भीगता है क्योंकि पानी नहीं जा सकता अगर रेड लाइन रहे तो। यार एक बार दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ चैनल के अंदर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आ चुका हूँ रैनेक्स के स्टोर में जो कि खुला है अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास। जैसे कि आपने काफ़ी देखे होंगे कि जो पहले हमारा करोल बाग में था, जो इसका मेन जो होता है इसका आउटलेट जो था करोल बाग में, लेकिन अब जो सेकंड आउटलेट आ चुका है यहाँ पे अर्जनगढ़ के अंदर, तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी इतना लोगों को पता नहीं है। तो उसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे इस बारे में कि आप यहाँ पर आकर भी शॉपिंग कर सकते हो। अगर कोई नियर बाय गुड़गांव के आसपास रहता है तो उसे करोल बाग जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ सकता है। यहाँ भी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, ऑन ऑर्डर भी आ सकती है और ऑन स्टॉक भी आ सकती है। जैसा भी आपको ठीक लगे वो सब आप ले सकते हो। बाकी आपको एक बार स्टोर विजिट करता हूँ कि स्टोर में क्या क्या अवेलेबल है। अभी पहले जितना स्टोर करोल बाग जितना बड़ा तो नहीं है, गोडाउन नहीं यहाँ पे, हो सकता है गोडाउन इसका आगे पीछे हो, बट मेन स्टोर ये है। आपको एक बार यहाँ का मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। कंफर्टेबल है? ठीक है ऐसे करिए, इतना कंफर्टेबल नहीं, थोड़ा टाइट। अगर आप माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं, ठंड वगैरह में, तो ये विंटर की तरफ ही काम, ये विंटर की तरफ काम करेगा। और अगर काफ़ी लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे वाटर प्रूफ तो चाहिए और मुझे गर्मी के लिए चाहिए। जो यहाँ पे हो चुका है इवेंट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, गिवअवे वगैरह हो चुके हैं और यहाँ सब निकलने की तैयारी करते हैं। ये अपने सारे बंदे राइडर्स खड़े हैं यहाँ पे, फर्स्ट विनर है रोहन भाई, वो फर्स्ट विनर है। तो फाइनली जो है चुका है ओवर, अपने अपने इंस्टा पे हाथ पहुंचेगा वहाँ पे। गाड़ी है ना उतना ही महंगा, ये नंबर है PAV 0009, बहुत पुराना नंबर है यार, काफ़ी महंगा है। ये देखो हमारा एक राइडर है, ये इसका बन्नी वाला हेलमेट है जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल। यार अच्छा हुआ कि आज का मौसम काफ़ी रोमांटिक वाला रहा, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं थी, सुबह से अच्छा था, मुझे लगा बारिश मिल जाएगी मेरे को तो गीला हो जाऊंगा। मैं आज रेन लाइनर लेकर नहीं आया, अपना रेन सूट लेकर नहीं आया, बट बारिश अब तक तो मिली नहीं है। बस आधे घंटे और बारिश ना हो फिर मैं घर ही पहुंच जाऊंगा। सब्सक्राइब भी करके जाएं आज। तो कुछ पंगा है वरना फर्स्ट में आ रहता है। भाई फाइनली मिल गया, हमने सब्सक्राइब कर दिया भाई को। ठीक है भाई सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू बोल के मैं बोलूं? अरे तो ओके भाई, यार भाई को भी कर दिया। हाँ भाई को भी कर दिया, मिल गया रूट मिल गया। यार मेरे तो फट गई थी एकदम, मुझे लगा चैनल डिलीट हो गया क्या। हाँ ये शाम तक डल जाएगी, शाम तक ओके। बाकी अभी हमारा ऐसे एक भाई यहाँ से अलग हो जाएगा करोल बाग की तरफ और हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से सीधा यहीं से। बाय बाय, एक हमारा राइडर यहाँ से अलग हो गया है, वो इस साइड से लेकर करोल बाग और हम जा रहे हैं अपने सीधा घर, क्योंकि हम दोनों पास पास ही रहते हैं तो हम दोनों यहाँ से साथ निकल जाएंगे। तो यार जिस बात का डर था बारिश का, तो बारिश हुई नहीं, बीच में हल्की हल्की बूंदे आई थी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने गोप्रो पे, क्योंकि गोप्रो अपना वाटर प्रूफ है, इतनी टकरे झेल लेता है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सर हाँ इस वीडियो में कमेंट भी कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला क्यों होने वाली। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट ड्रॉप कर देना।
यहाँ पे कर देना, इंस्टाग्राम पे कर देना, कहीं पे कर देना, जहाँ पे आप करना चाहो, जहाँ पे आपको कहीं भी करना चाहो। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में क्यू एन ए की बनाने वाला हूँ, तो जो भी आपके क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।